आपकी बाइक सही होती है, लेकिन कभी बीच रास्ते में रुक करके आपको दिक्कत आ जाती है कि जैसे आपकी बाइक के ऑयल इसमें है या नहीं है। तो बस पहली बात तो आप इग्निशन ऑन करके देख लें, अगर उसमें दिखाई दे रहा है तब तो ठीक है, टैप देखें। अगली चीज देखें चोक, चोक तो नहीं लगी हुई है। तो आज की बाइक में जैसे कि आजकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है खुद ही और चोक से वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस प्रोसेस से भी स्टार्ट नहीं होती है तो इन सारे प्रोसेस को जब हम बंद कर देंगे प्लग लगा करके, अगर फिर भी बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होती है तब आप तो इतने स्टेप्स जो हैं वो आप खुद से कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है मैकेनिक से के पास जाने की या मैकेनिक। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मोटरसाइकिल या बाइक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखिए मोस्टली हर कोई मोटरसाइकिल या बाइक यूज करता है, कहीं भी जाने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो मोटरसाइकिल या बाइक ही होती है। तो मोस्टली हर कोई यूज करता है। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि आपकी बाइक सही होती है, लेकिन कभी बीच रास्ते में रुक करके आपको दिक्कत आ जाती है कि जैसे आपकी बाइक अगर बंद पड़ गई तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप उसे नहीं समझ पाते और आप फिर परेशान होते हो और वहाँ आसपास मैकेनिक भी नहीं होता है। तो कुछ चीजें आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर इस तरह से आपकी बाइक बंद पड़ गई है तो आपको कुछ चीजें चेक करके देखनी चाहिए। हो सकता है आप खुद से भी उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को, और आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वो जानते हैं पहले से तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और देखिए जो लोग नहीं जानते उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये चीजें जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आपको करना क्या क्या है अगर आपकी बाइक बंद हो जाती है, कि जैसे अचानक से बंद हो जाती है और आपके समझ नहीं आता कि इसमें हुआ क्या। तो देखिए सबसे पहले तो आप बाइक का अपना इग्निशन ऑन कर लें और बाइक में देखें कि फ्यूल कितना है। तो फ्यूल देखिए बहुत सा बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, जो आगे स्क्रीन होती है, उसमें जो डिजिटल बाइक है उनके अंदर भी और जो एनालॉग वाला आता है सुई वाला पेट्रोल बताने वाला मीटर होता है तो उसमें भी पता लग जाता है, लेकिन जो सुई होता है और जो डिजिटल भी होता है उसके अंदर भी प्रॉपर वो बता नहीं पाता। कभी कभार कम तेल पे जैसे उनका एक लिमिट होता है कि वो 1.5 लीटर पे या 1 लीटर से ऊपर पे ही वो इंडिकेट करता है, अगर उससे कम ऑयल होता है तो वो पता नहीं चलता कि ऑयल इसमें है या नहीं है। तो बस पहली बात तो आप इग्निशन ऑन करके देख लें, अगर उसमें दिखाई दे रहा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक बार टैंक खोल करके, इग्निशन बंद करके टैंक खोल करके देख लें हिला करके कि ऑयल उसमें है या नहीं है। अगर फ्यूल उसके अंदर प्रॉपर है, पेट्रोल अगर पूरा है तब तो ठीक है, तब आप दूसरी चीज को देखें। अगर ये चीज आपकी प्रॉपर ठीक है तो फिर आप दूसरे पॉइंट पर जाएं। फिर आप देखें पेट्रोल कॉक जो होती है उसे देखें कि वो किस पोजीशन में है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर तीन पोजीशन होती हैं, एक तो पेट्रोल ऑफ पोजीशन पे होता है, एक ऑन पोजीशन पे होता है, नीचे की तरफ को सबसे अगर घुमा दोगे आप तो वो ऑन पे आता है। तो ऑन के लिए एक लिमिट होती है कि हर बाइक की अलग अलग होती है कि वो 2.5 लीटर पे ऑन में चलेगी, इससे नीचे अगर पेट्रोल होगा तो ऑन में पेट्रोल नहीं आता है तो आपको फिर वो रिजर्व में लगानी होती है। तो जैसे कि पल्सर की यहाँ मैं बात करता हूँ, पल्सर बीच में ऑफ हो जाता है और नीचे को ऑन पोजीशन रहता है, और ऊपर को कर दोगे तो वो रिजर्व में आ जाता है। तो रिजर्व का मतलब होता है कि बिल्कुल टंकी में जितना भी नीचे तेल होगा वो सब आपका चला जाएगा, तो वो रिजर्व पोजीशन होती है जो लगभग 1.5-2 लीटर पर लग जाता है रिजर्व। तो 1.5-2 लीटर अगर 2 लीटर से ऊपर आपकी बाइक में ऑयल है पल्सर के अंदर तो फिर आप मेन में चला सकते हो, वरना तो आपको रिजर्व में चलानी पड़ेगी। तो ये जरूर देख लें कि ये तो किस पोजीशन में है, कहीं बंद तो नहीं है या ऑन पोजीशन में तो नहीं है। आपका तेल लेवल कम हो गया हो तो आप रिजर्व में लगा लें, तब आप स्टार्ट करके देखें, अगर स्टार्ट होती है तो ठीक है, वरना तो आप अगला स्टेप देखें। अगली चीज देखें चोक, चोक तो नहीं लगी हुई है। तो आज की बाइक में जैसे कि आजकल के जो बाइक आ रही है जो डिजिटल उनके अंदर इंजेक्टर आ रहा है, तो वो इंजेक्टर वाली बाइक में तो चोक नहीं होती है, तो उसमें तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कार्बोरेटर वाली बाइक है उनके अंदर चोक आती है, तो आपको चोक देखना, चोक कहीं
फोन तो नहीं है, तो कुछ में खींचने वाली चोक होती है, कुछ में ऐसे लगाने वाली होती है, तो अलग अलग तरह की, और कुछ में इस तरह से करने की होती है, तो वो चोक की पोजीशन देख लें कहीं वो ऑन तो नहीं है। अगर आपकी चोक लगी रह जाती है तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। चोक से क्या होता है कि बहुत सारा फ्यूल कम्बशन चैम्बर में चला जाता है पिस्टन के ऊपर, जिससे कि उसमें इग्निशन है वो नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होती। तो ये पोजीशन भी देख लें, अगर ये पोजीशन भी ठीक है तो फिर अगला स्टेप देखें। एक होता है इंजन किल स्विच, तो आपने देखा होगा मोस्टली बाइक में आता है, पहले नहीं आता था, लेकिन एक ऊपर दिया हुआ होता है, इससे इंजन बंद ऑन ऑफ हो जाता है, तो एक बार उसे ऑन ऑफ करके देख लें। और जो आपकी की है, की से भी आपका लॉक अनलॉक को मतलब इस तरह से ऑन ऑफ करके देख लें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है इसके अंदर वाटर चला जाता है, पानी चला जाता है बटन के अंदर, तो सही से बटन काम नहीं करते, इस वजह से ही बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो ये दिक्कत भी कभी हो जाती है, तो इसको भी एक बार प्रॉपर चेक करके देख लें। तो अब इतने प्रोसेस के बाद जब आप देखें कि फिर भी ये सब चीजें ठीक है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फिर अब आप चोक लगा करके देखें, चोक लगा करके एक बार स्टार्ट करें। अगर बाइक आपकी चोक लगाकर स्टार्ट हो जाती है, देखिए चोक से होता क्या है कि कभी कभार जैसे कचरा वगैरह आ जाता है, चोक जब हम लगा देते हैं तो उसमें एयर ज्यादा फ्यूल को लेकर के जाती है, जिससे कि बाइक छोटे मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है खुद ही, और चोक से वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इस प्रोसेस से भी स्टार्ट नहीं होती है तो फिर अगली चीज हम देखेंगे, फिर हम चोक को हटा देंगे, मतलब चोक पे हमें लगा के नहीं रखनी है, एक बार स्टार्ट करके देखेंगे लेकिन चोक को फिर हटा देंगे। फिर एक प्रोसेस और है, हम एक्सीलेटर को पहले फुल करके जब स्टार्ट करके देखेंगे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सीलेटर फुल होने से भी, जैसे कभी ओवरफ्लो हो जाती है, तो उससे एक्सीलेटर फुल करके स्टार्ट करने से भी बाइक स्टार्ट हो जाती है। अगर ये दिक्कत भी नहीं है, स्टार्ट हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले स्टेप को करेंगे। फिर हम चेक करेंगे प्लग का करंट, क्या प्लग में करंट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसे चेक करने का एक तरीका है। आप देखिए थोड़ा सा आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा, आपको क्या है कि स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा और उस प्लग कॉक के अंदर आपको उसमें लगा देना और उसे बॉडी से बाइक की अर्थिंग देनी है। फिर आप जब सेल्फ लगाओगे तो वो उससे अर्थिंग से चटर चटर की आवाज करेगा, तो आपको एक स्पार्क दिखाई देगा, एक तरह की चिंगारी। तो अगर वो इस तरह से कर रहा है तो इसका मतलब करंट प्रॉपर है, आपकी बाइक में करंट आ रहा है, लेकिन आपको केयरफुली करना है, आपका हाथ या कोई उससे अर्थिंग नहीं होना चाहिए, वरना तो आपको करंट लग जाएगा और झटका भी लग जाएगा, काफी तेज झटका होता है। फिर जब प्लग वाली कोक में अगर करंट आता है, इस तरह से हम जब चेक कर लेंगे तो फिर लगा करके स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं होती है तो फिर हम प्लग को ही निकाल करके देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है प्लग ही शॉर्ट हो गया हो, कभी कभार प्लग भी खराब हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, तो प्लग निकाल करके उसे उसमें लगा करके कॉक में और बॉडी से लगा देंगे बाइक की, और तब सेल्फ लगाएंगे, देखेंगे कि प्रॉपर करंट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसे भी केयरफुली करना है, सावधानी के साथ इस काम को करना है। तो अब इन सारे प्रोसेस को जब हम बंद कर देंगे प्लग लगा करके, अगर फिर भी बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होती है, तब आपको देखना है कि आपने पहले तो सारा सिस्टम देख लिया, आपने करंट का सिस्टम भी देख लिया, करंट प्रॉपर है आपकी बाइक में, तो अब आपको देखना फ्यूल, क्या तेल प्रॉपर आ रहा है बाइक के अंदर, जा रहा है या नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके टैंक में पानी चला गया है। अगर आपके टैंक में पानी चला गया है तो उसका भी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं, बस एक आपको स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने कार्बोरेटर के नीचे देखा होगा, जब कार्बोरेटर वाली बाइक होती है उनके नीचे एक पेच होता है, तो उस पेच को क्या करना, उसके नीचे एक पाइप लगा हुआ होता है काला, आपको उस पेच को ढीला कर देना और एक बोतल में आप उस पाइप को डाल लें, जिससे कि आपका फ्यूल जो है वेस्ट ना हो, वरना तो वो जमीन पे गिर जाएगा, और अगर आपके पास बोतल नहीं है तो आप फिर नीचे ही गिरा दें, तो क्या होगा जो कार्बोरेटर में कचरा या पानी होगा वो आपका सारा उसमें से निकल जाएगा, और जब आपको लगे कि हाँ पेट्रोल आना शुरू हो गया तो आप उसको बंद कर दें और बाकी फिर उस पाइप को वहीं पर डाल दें, फिर आप अपनी बाइक को स्टार्ट करके देखें। अगर इसके बाद भी, वैसे तो इन सब चीजों को करने से बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी बाइक अगर स्टार्ट नहीं होती है तो फिर आपको मैकेनिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको फिर मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। तो इतने स्टेप्स जो हैं वो आप खुद से कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है मैकेनिक से के पास जाने की या मैकेनिक को दिखाने की, लेकिन अगर इन स्टेप्स को करने के बाद भी नहीं होती है आपकी बाइक सही, तो फिर आपको मैकेनिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे काफी आपको ये पता लगा होगा कि हमें कौन कौन से स्टेप प्रॉपर वे में चेक करने चाहिए बाइक में, अगर चलते चलते अचानक से रुक जाती है या रुकी हुई बाइक को आप स्टार्ट करते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती है, तो ऐसा आप करके देख लें, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।